भारत में अनेकों मंदिर पाए जाते हैं, जिनमें बहुत से मंदिरों का संबंध प्राचीन काल से रहा है। इनमें से कुछ अपनी विशिष्टता के कारण पूरे भारत में न केवल धार्मिक बल्कि कला, संस्कृति व पर्यटन के दृष्टिकोण से विशेष महत्व रखते हैं, और इन्हीं में से एक है गुजरात के द्वारका में स्थित भगवान कृष्ण को समर्पित द्वारकाधीश मंदिर। नमस्कार, मैं गुलशन नए यूट्यूब चैनल रिजल्ट मित्रा पे आप सबका स्वागत करता हूँ। करंट अफेयर्स व अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक से जुड़े वीडियो की इस सीरीज में आज हम द्वारकाधीश मंदिर व इससे संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं द्वारकाधीश मंदिर चर्चा में क्यों है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन व मथुरा मंदिर के बाद अब द्वारका में देवभूमि कॉरिडोर बनाने की तैयारी चल रही है। केंद्र सरकार की योजना इसे पश्चिम भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र बनाने की है। ये परियोजना न सिर्फ द्वारका के तस्वीर को नया स्वरूप प्रदान करेगा बल्कि शिवराजपुर का समुद्री इलाका भी विकसित होगा। ध्यातव्य हो कि शिवराजपुर भारत के 12 ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्री तटों में शामिल है। ब्लू फ्लैग का प्रमाणन स्वच्छ व पर्यावरण अनुकूल तटों को फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा दिया जाता है। द्वारका में द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की 108 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा लगाए जाने का भी प्रस्ताव है, जो इस नगरी को विशिष्टता प्रदान करेगा। कॉरिडोर विकास परियोजना के तहत द्वारका पोरबंदर सोमनाथ लिंक प्रोजेक्ट भी शुरू होगा। पोरबंदर में जहां भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा की जन्मस्थली है, वहीं सोमनाथ में भगवान कृष्ण ने स्वयं का देह त्याग किया था। महाकालेश्वर कॉरिडोर की तर्ज पर ही द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर से लेकर बेट द्वारका और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग तक सभी मंदिरों को जोड़ा जाएगा। इन मंदिरों में द्वारकाधीश मंदिर, रुक्मिणी बलराम मंदिर, गोवर्धन नाथ मंदिर, महाप्रभु बैठक, वासुदेव मंदिर, हनुमान मंदिर व नारायण मंदिर शामिल हैं। आइए अब जानते हैं द्वारकाधीश मंदिर के बारे में। इस मंदिर को जगत मंदिर या त्रिलोक सुंदर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की पूजा भगवान के बजाय द्वारका के राजा के रूप में की जाती है। पुरातात्विक स्रोतों के अनुसार 72 स्तंभों व 5 मंजिला वाले मुख्य मंदिर का निर्माण आज से 2200 से 2500 वर्ष पूर्व करवाया गया था। धार्मिक ग्रंथों व परंपराओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण कृष्ण के पर पोते वज्रनाथ के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के आवासीय स्थल पर करवाया गया था। यह मंदिर आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पवित्र स्थलों में से एक है। अन्य 3 स्थलों में रामेश्वर, बद्रीनाथ व पुरी शामिल हैं। द्वारकाधीश मंदिर एक पुष्टि मार्ग मंदिर है, अतः यहाँ विट्ठल सेन व बल्लभाचार्य द्वारा बनाए गए दिशा निर्देशों व अनुष्ठानों का पालन किया जाता है। इस मंदिर के ऊपर का ध्वज सूर्य और चंद्रमा को संदर्भित करता है, तथा ऐसा माना जाता है कि जब तक कृष्ण रहेंगे तब तक सूर्य और चंद्रमा का अस्तित्व बना रहेगा। मंदिर के 2 प्रवेश द्वार हैं, जिसमें से एक मुख्य द्वार है जिसे मोक्ष द्वार कहा जाता है, तथा दूसरे प्रवेश द्वार को स्वर्ग द्वार कहा जाता है। यह मंदिर गोमती नदी व अरब सागर के मिलन स्थल के नज़दीक स्थित है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण की श्याम वर्णी चतुर्भुज प्रतिमा विराजमान है। ग्रेनाइट व बलुआ पत्थर से निर्मित यह मंदिर नागर शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं व पशु पक्षियों के चित्रों का अंकन है। इस मंदिर ने अपने इतिहास के दौरान कई आक्रमणों व पुनर्निर्माणों का दौर देखा है। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, जबकि 14वीं शताब्दी में राजपूत राजाओं द्वारा इसकी मरम्मत करवाई गई थी। गुजरात के शासक महमूद बेगरा ने इसे काफ़ी क्षति पहुंचाई थी, लेकिन बाद में वर्ष 1861 में अंग्रेज़ों ने गायकवाड़ों के साथ मिलकर इसकी फिर से मरम्मत करवाई थी।